यस 12th क्लास के विद्यार्थियों, मैं आज विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपको विद्युत क्षेत्र कह रहा हूँ, विद्युत विभव कैलकुलेट करना बता रहा हूँ। देखिए, विद्युत द्वि ध्रुव के कारण विभव, नंबर पहली स्थिति जो है वो है अक्षीय स्थिति। इस अक्षीय स्थिति में करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, दो आवेश, बिंदु आवेश ले लिए, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी मैंने 2L ले ली। ये वाला पॉइंट A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, ये वाला पॉइंट B हो गया। ठीक, अब देखिए इसका मिड पॉइंट O ले लिया, O से P की दूरी R के इक्वल हो गई, ये हो गया L, ये हो गया L। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण मैं तीव्रता को कैलकुलेट कर रहा हूं। तो देखिए, मैं इसके रिश्ते कारण करूं तो पहले मैं प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण पर विभव आ जाएगा, वी बी इक्वल टू, ये कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। आर यहां पर कितने के इक्वल हो गया, बीपी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बीपी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। व्हाट इज वीपी, वीपी इक्वल टू आर माइनस एल, इक्वेशन नंबर 1। ये रिजल्ट आ गया। ऐसे में अब क्या कर रहा हूं, माइनस क्यू आवेश के कारण कैलकुलेट करूं, माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, देखो ये हो जाएगा वी ए। ठीक, क्योंकि तो माइनस क्यू आवेश ए पे रखा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, माइनस क्यू अपॉन, ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है, एपी, ये हो जाएगा वी ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू। व्हाट इज एपी, एपी की अगर दूरी निकाले तो आर प्लस एल का नंबर 2। इसलिए कुल विभव वी इक्वल टू ये हो जाएगा वी ए प्लस वी बी, या इसको पहले लिख दूं, वी बी प्लस वी ए कर दिया मैंने। ठीक, अगर आप इसको निकालेंगे तो वी ए इक्वल टू कितना निकलेगा, दोनों में देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, आर माइनस एल। ठीक, अब आप देखिए ये कैसा है, माइनस माइनस का साइन मैं यहां लगा देता हूं, ये हो गया आर प्लस एल,
ठीक, ये इतनी कंडीशन आ गई। दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल लो, क्यू को निकाल लो, ये हो जाएगा R-L R+L। अगर एलसीएम लेंगे तो R+L इधर चला जाएगा, -R-L ये आ जाएगा। आप पॉज करिएगा, पॉज करने के बाद इस मैथमेटिकल टर्म को नोट करिएगा। ये अक्षीय और निरक्षीय स्थिति आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लगातार आ रही है, इम्पॉर्टेंट है। इस साल छोड़ के पिछले 2 साल तक लगातार इसके क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं, और वो भी 4 या 5 बार के क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। इसका तो मतलब है कि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो आप नोट करिएगा। ठीक, मैं आगे आपको यहाँ कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। ठीक, वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, सॉल्व करो तो ये आर और आर कैंसिल, ये हो गया 2L/A+B A-B का फॉर्मूला लगा लो, R²-L²। मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव P बताया था, P इक्वल टू Q इंटू 2L। और वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन में मैंने आपको ये भी बताया था कि एल की वैल्यू आर की तुलना में बहुत छोटी होती है। ठीक, तो मैं यहाँ पर R²-L² को क्या लिख सकता हूँ, R² के इक्वल लिख सकता हूँ, या अप्रोक्सीमेट मान लो, है ना। बी मेरे पास कितना निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2L कितने के इक्वल हो जाएगा, पी के इक्वल। R²-L² इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R². ठीक, क्लियर। तो पी का मेरे को क्या लेना है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, R² -L² दिस इक्वल टू P। तो ये मेरे पास बिंदु P पर इस वैद्युत ध्रुव के कारण यहां पर इतने वोल्ट का विभव निकल आएगा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R², ये आपकी अक्षीय स्थिति कहलाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका एक और है जिसको हम क्या बोल देते हैं, निरक्षी स्थिति। तो ये अक्षीय स्थिति के लिए आप क्या करिएगा, पॉज करिए, पॉज करने के बाद इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। दूसरा आप देखिए, निरक्षी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण देखिए, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालना है। तो मैं देखिए क्या कर रहा हूं, तो शॉर्ट में करते हैं ना, कोशिश करिए आप एक ही बार में इसको सॉल्व करें। ये हो गया -Q,
ये हो गया 10 क्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया 2 है, हो गया। इससे मिड पॉइंट से आर दूरी पर एक बिंदु पी पर विभव निकालना है, ये हो गया एल, ये हो गया एल, को मिलाया, को मिलाया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक, अगर मिड पॉइंट से देखे तो ये वाला एंगल कितना हो गया, अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। ये दूरी आर है तो यहां पर इसका पाइथागोरस प्रमेय से ये दूरी कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वैसे ये दूरी भी कितने के इक्वल हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दूरी हो गई आपके पास। तो सॉल्व कर लीजिए, बड़ा सिंपल केस है ये। कैसे सिंपल है देखिए आप, अगर इसको देखें तो प्लस क्यू के 12 पी पर विभव, अगर आप निकालना चाहें प्लस क्यू के कारण विभव तो ये हो जाएगा बी बी। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है क्यू, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। और माइनस क्यू के कारण निकाल लीजिए, माइनस क्यू के कारण बी पर विभव, ये हो गया वी ए। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह आवेश कितना है, माइनस क्यू, यहां रख दीजिए माइनस क्यू। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, ये आ गया। अब कुल विभव का मान निकालना है तो ऐड कर लीजिए, तो देखिए v इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। ठीक, देखिए आपके पास क्या कंडीशन हो रही है, अगर मैं ये देखूं तो ये पूरे के पूरे टर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये टर्म भी सेम है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है, तो दोनों जोड़ के कैसे जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण कुल विभव का मान कितने के इक्वल होता है, 0 की वैल्यू के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन साल छोड़ के पिछले 2 सालों तक बोर्ड में 4 नंबर का या 5 नंबर का आया हुआ, बहुत छोटा है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, ओके।